यदि शासकीय विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो उस समय कितनी रही है और आज कितने हैं, ये 15 साल की हमारी उपलब्धि रही है, जनता का आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद मिलने के बाद में हमारा जो फोकस था, छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या वो रही है पलायन, कि लोग अपने परिवार को लेकर के उधर के आपूर्ति के लिए हिंदुस्तान की ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वो नहीं गए। ये हमारे लिए प्राथमिकता थी कि इस चुनौती का हम सामना कैसे करें, और निश्चित रूप से उसको हमने चावल देकर के इस योजना को प्रारंभ किया, धान खरीदी की व्यवस्था बनाई, 0% में किसानों को हमने ऋण उपलब्ध कराया, और उसके साथ में वनवासी क्षेत्र में हमारे चाहे सिंचाई का काम हो या वन उपज के हमारी जो खरीदी, 15 वर्ष सरकार में रहने के बाद में परिवर्तन आया, और परिवर्तन में जो मैंडेट कांग्रेस को मिला, कांग्रेस को मैंडेट बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उनकी कल्पनाएं और बहुत सारी जो बाधाएं, इनके साथ में कांग्रेस को मैंडेट दिया गया। लेकिन 3.5 साल में आपने कहा कि एक गैप को कैसे आप पाटेंगे, इस गैप को पाटने के लिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी यहां सरकार चल रही है, दो बातों ये उसमें महत्वपूर्ण है कि हमारी जो कमियां रही हैं, हमारी जो खामियां रही हैं, उसे हमें दुरुस्त करना, कि हम ऐसे कौन सा चूक किए थे कि जिसके कारण में हम पीछे गए, तो ये एक बड़ा कारण जो हारने का हमारा जो रहा है उसको हम आने वाले समय में उस स्थिति को हम संगठन के रूप में कार्यों के द्वारा लोगों के बीच में जा करके और उनके आशीर्वाद मिले। और दूसरी बात जो है प्रमुख रूप से कि जो अपेक्षाएं घोषणा पत्र जो जारी की गई, जारी करने के बाद में कि युवाओं को कहा गया कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो 2500 रुपये हम भत्ता देंगे 2500 रुपये, शराबबंदी की बात आई, किसानों को बोनस की बात आई, और खास करके आज गरीबों की जो बात आई जिसके लिए पंचायत मंत्री जी ने त्याग पत्र दिया, तो मुझे यह लगता है कि कुछ पाटने का काम तो हम संगठन की ओर से करेंगे, आंदोलन के रूप में करेंगे, और ये जो सरकार चल रही है 50% सहयोग, ये सरकार के जो नीति है और इनके जो क्रियाकलाप है उससे जनता पाटेगी, और आने वाले 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। पर भाजपा की एक बड़ी समस्या जो लोग बोलते हैं आपसी गुटबाजी है, अभी भी कई गुटों में बटी हुई है, खासकर सरकार थी तो उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन विपक्ष में आने के बाद ये चीजें खुलकर आ गई। आप देखिए, गुटबाजी के जो आरोप लगाते हैं उनके अंदर क्या स्थिति है, मुझे जहां तक याद है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कि कोई मंत्री ये आरोप लगाए कि ये साजिश किया गया है, कि मनरेगा के कार्य को नहीं होने दिया गया, उनको स्ट्राइक करने का साजिश किया गया है, कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझे काम करने ना दिया जाए, उसके बाद में और हमें गुटबाजी के बारे में हमको सफाई देना पड़ेगा। एक बड़ी कि चरम गुटबाजी पर आज कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जब कल आज चल रहा है आपका, कितने विधायकों ने समर्थन दिया, दस्तखत किया है कि उस मंत्री को निकाला जाए, उसको बर्खास्त किया जाए, तो और गुटबाजी करने के बोलने के लिए कांग्रेस के पास कुछ बचा हुआ है कि जो बीजेपी के ऊपर पर आरोप लगाए? बड़ी समस्या, एक चेहरा ढूंढ रहे हैं आप लोग, 3.5 साल हो गए और चेहरा नहीं मिल पा रहा। मुझे लगता है चेहरा बताने की आवश्यकता नहीं है, कमल छाप है, बीजेपी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के बनने के पहले सारे चुनाव हुए हैं, कांग्रेस का चेहरा कौन था? अभी जो प्रदेशों में चुनाव हुए उसमें भी आपने देख लिया कि क्या स्थिति रही है। सवाल चेहरे के नहीं है, चेहरे तो अनेक हैं, लेकिन पार्टियों को संयुक्त रूप से मिलकर के उस स्थिति में लाना, और जिस दिन आप बहुमत लेकर के आएंगे, चेहरे आपके बहुत सारे हैं, मुझे लगता है चेहरे तलाशने की जरूरत बीजेपी में नहीं है। जो कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ना पाए उसको चेहरे तलाशने की जरूरत बीजेपी को कहने की आवश्यकता ही नहीं। लोकसभा का फॉर्मूला कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा में भी आएगा, ज्यादातर चेहरे बदल दिए जाएंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता हैं इसीलिए एक्टिव नहीं हो रहे हैं कि पता नहीं टिकट मिलता है नहीं मिलता है।
देखिए कुल 14 विधायक हम लोग हैं और 14 विधायक में कितने बदलेंगे मुझे नहीं मालूम, बाकी तो हमारे पास में सारे ऑप्शन खुला हुआ है। चेहरा कहां बदला जाएगा उनसे पूछिए कि कैसे करेंगे, उनके रिपोर्ट कार्ड क्या आ रहा है और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर क्या करेंगे। हम तो 14 है, बाकी हमारा खाली है, हमारे पास खाली कुर्सी है भरने के लिए। जिनके पास भरी हुई कुर्सी है उनको सोचने की जरूरत है, हमको सोचने की जरूरत नहीं है। पिछले मंत्रिमंडल और कुछ एंटी इनकम्बेंसी की बात आई, चेहरों से एलर्जी है, कहा जा रहा था कार्यकर्ता बाहर नहीं निकले, क्या वो चेहरे फिर से रिपीट हो सकते हैं? देखिए चुनाव में अभी 1.5 साल बाकी है और 1.5 साल बाकी है, अभी यदि कहा जा सकता किसको टिकट मिलेगी किसको टिकट नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, संसदीय बोर्ड हमारा है, कोई प्रदेश के चुनाव समिति उसको तय करके फाइनल करके मुहर लगा दे कि इनका फाइनल हो गया, ये राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद में जो तय होंगे स्वाभाविक रूप से संसदीय बोर्ड में होगा, और इसलिए किसी के बारे में कहना मैं समझता हूं कि अभी जल्दबाजी होगी। बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं कांग्रेस में? गांवों में कहा जा रहा है कि न्याय योजना की वजह से बहुत मजबूती है, काफी संघर्ष करना पड़ेगा, संघ का भी सहारा अब आप लोग ले रहे हैं, क्या है? न्याय योजना और बाकी योजना के बारे में अब मंत्री जी है नहीं, वो चले गए अमरजीत जी, वो बोल रहे थे कि 1 लाख रुपए 1 लाख करोड़ हमने दिया। मैं होता तो मैं पूछता ब्रजमोहन जी की जगह में कि 1 लाख करोड़ आपने धान का पैसा दिया, उसमें राज्य सरकार की क्या भागीदारी है? और मैं आपको बता देता हूं कि धान 1 लाख करोड़ रुपए के जो भुगतान हुए, राज्य सरकार की जो भागीदारी है 23,000 करोड़ रुपए और 65,436 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की, मतलब मोदी जी की सरकार की, मतलब हम लोगों की भागीदारी है। न्याय अभी आप पढ़े होंगे कि 3 गौठान में बिजली बना लिए, भूपेश बघेल जी इतने तेजी से प्रदेश को आगे ले जा रहे कि 3 गौठान में बिजली उन्होंने बनाया। हम आज तक पूछ रहे हैं कि उस गौठान में हमको ले चलो, जिस गौठान में आप बिजली का निर्माण कर रहे हो, बिजली बना रहे हो और बिजली जला रहे हैं, लेकिन आज तक कोई मंत्री हमको दिखा नहीं पाए। तो इनकी ऐसी ही योजना है जैसा मैं बता रहा हूं, और इसलिए इनकी योजना कैसी है ये 2 उदाहरण आपको देता हूं कि सरकार कैसे चल रही है। अधिकांश लोगों को मालूम होगा पिछले समय का प्रश्न है, एक बड़ा होर्डिंग लगा था हमारे यहां पूरे प्रदेश भर में कि 4,65,000 को नौकरी दिया गया। भूपेश बघेल जी बिलासपुर के कार्यक्रम में गए, उस कार्यक्रम में मैं था, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, और राहुल गांधी जी यहां पर आए हुए थे तब उन्होंने कहा कि हमने 2,80,000 लोगों को नौकरी दिया। मैंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आपने तो होर्डिंग लगा दिया 4,65,000 का, आपने बता दिया 5 लाख का, ये सबसे छत्तीसगढ़ का पवित्र सदन है, इसमें सही बात को बताएंगे, जो होगा आप स्वीकार करेंगे, मैं स्वीकार कर लूंगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हम 2018 से लेकर के अभी तक कुल 19,000 लोगों को नौकरी दिए हैं। मैंने कहा उसमें 4,000 को और काट दीजिए, क्योंकि वो जो 4,000 है डॉक्टर रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, तो आपने दिया टोटल नौकरी 16,000 लोगों को, तो 16,000 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया और होर्डिंग लगा है 4,65,000 की, ये कांग्रेस की सरकार चल रही है और ये कांग्रेस की नीतियां हैं। बहुत सारी योजनाओं की आप लोग बुराई करते, गोधन योजना खास तौर पे निशाने पर रहती है, लेकिन संघ ने भी तारीफ कर दी, विश्व हिंदू परिषद ने भी तारीफ कर दी। गोधन योजना की मैंने प्रश्न लगाया था विधानसभा में, मई के महीने में और जून जैसे ही लगा, अनेक प्रदेशों से इनके गोबर बारिश होने के बाद में बह गई, कौन से महीना में? तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक बार फिर पूछा कि कौशिक जी जो पूछ रहे हैं उसको जवाब देंगे चौबे जी, तो चौबे जी ने कहा हाँ मैं जवाब दे रहा हूं कि गोबर गर्मी में बह गई। अब उस गोधन योजना जितना गोबर नहीं खरीदे हैं उससे ज्यादा किसानों से इन्होंने पैसा वसूल कर लिया, 10 रुपए किलो में इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिट्टी और गिट्टी उनको बेच दिया, ठीक, वर्मी कंपोस्ट के बजाय में उसके कहीं पर आप सुपर फास्फेट खरीदते हैं, यूरिया खरीदते हैं,
लैब में टेस्टिंग होता है, जिसका कीमत 10 रुपए केजी नहीं है, लेकिन जिसका 10 रुपए केजी जिसका रेट हो, कोई लैब में ना जाए, कहीं टेस्टिंग ना हो, और उसके बाद में यदि दुहाई दे, तो ऐसी सरकार को मैं क्या कह सकता हूँ। एक सवाल छोटा सा उसके साथ वाइंड अप करूंगा, क्या आप अगला चेहरा हो सकते हैं? कुछ आप जाते होंगे, कुछ हिंट मिलता होगा क्या? अगला चेहरा आप भी हो सकते हैं? बहुत सारे चेहरे हैं, और चेहरा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा समय का इंतजार कीजिए, चेहरा आपके पास में आएंगे, चेहरा आएंगे और उस चेहरा को आप फूलमाला पहनाएंगे और उनको आप बधाई देंगे। बहुत शुक्रिया धर्मलाल कौशिक जी हमसे बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, आप प्लीज हमारे साथ मंच पर बने रहें। और इस वक्त मैं मोमेंटो के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी टीवी 18 के वाइस ऑफ नेटवर्क 18 के चीफ कंटेंट ऑफिसर संतोष मेनन जी को।